एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी आसिम नईम। वेलकम टू माय चैनल एन प्रोडक्शन एंड वेलकम टू माय ईद ब्लॉग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हुकूमत हमारे साथ क्या करने जा रही है कुछ पता नहीं है। रात 12 बजे इनको ईद का चांद नजर आ गया है। ईद मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि ईद की जो नमाज़ है वो सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी, और अभी पाँच बजे हैं तो फजर की नमाज़ का टाइम है। तो पहले फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी ईद पढ़ने से पहले। ऐसा टाइम है कि कुछ लोग बहुत अच्छी तरह ईद गुजार रहे होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग दुख में होंगे, और कुछ लोग अपने घर वालों से बहुत दूर होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत सारी ईदें अपने फैमिली के बगैर गुजारी होंगी। आप ईद अच्छी तरह गुजार रहे हैं, खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ आप इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। स्पेशली जो है वो इस ईद में फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस लॉकडाउन ने यकीन करें कि बहुत ज़्यादा तंग किया है। पहले तो कपड़े नहीं ईद के लिए मिल रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से ईद के कपड़े लिए हैं। जब ईद के कपड़े मिल गए हैं तो फिर दर्जी ने लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। तो फिर आपके भाई की पहली ईद ऐसी है जो बगैर नए कपड़ों से गुजरने वाली है। कोई बात नहीं, 7:30 बजे ईद है और ईद की हमने तैयारी कर ली है। तो ईद है 7:30 बजे, तो टाइम हो गया है 7:20, टोटल रह गए हैं 10 मिनट। मेरे ख्याल ऊपर वास्केट पहननी चाहिए, ये सीन ठीक है। जफ़ियाँ और पपियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा जो गांव है वो कोरोना से साफ और शफाफ है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो गांव है, मोस्टली जो गांव है वो इससे साफ़ और शफाफ है, इसलिए जफ़ियाँ और पपियाँ हो रही हैं। और ये तजिया नगारी से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। ईद मुबारक। ईद की नमाज़ हमने पढ़ ली है और बारिश शुरू होगी थी तो इस्लाम भाई को हमने कॉल की मुझे बाइक पे ले जाओ, तो ये बाइक पे लेने आए हैं। तो हम सबसे पहले ईद पढ़ने के बाद जो हमारा सबसे पहले काम होता है, आसम भाई जो है वो हमसे पिछले उनको 5 साल हो गया, उनकी कब्र पे जाते हैं, तो उनकी कब्र पे जाके फातिहा हवानी करते हैं। तो उसके बाद ईद का जो है वो कोई दूसरा काम करते हैं। कब्रिस्तान आए थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई है, तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया और ईद भी हमारी बड़ी ठंडी गुजरने वाली है। बारिश शुरू हो गई है, आप आवाज़ महसूस करेंगे कि बारिश के कतरे गिरने की आवाज़ आपको महसूस हो रही होगी। ईद मुबारक आपका भी। ईद मुबारक। दीदी लेने जा रहे हो? हैं? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू अगेन। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ज़ियान की, ये मैंने खुद की है, यकीन जानिए मैंने खुद की है। नहीं यकीन आ रहा तो पहले ये वीडियो आप देख। ज़ियान, ज़ियान कौन सी ईद लेनी है? ज़ियान इधर देखो, कौन सा नोट लेना है? ये वाला, ये वाला। ओह, ये नहीं लेना। इधर रख लो, आपके पॉकेट कोई नहीं है, जेब कोई नहीं है, इधर रखो। तो अब मेरा बेटा वृषा भी आ गया है, ये नानो घर गया हुआ था ईद करने के लिए, तो तैयारी शारी करके आया मुझे मिलने के लिए। कोई दी? ओ, जान से प्यार हो रहा है, जान से। बस करो। अच्छा, आपने मेरे से ईदी लेनी है? कौन इनमें से कौन सा नोट लेना है पहले मुझे बता दो। ओ, जान पड़ गया, जान पड़ गया। अच्छा, आपने ये लेना है, ठीक है। ईद हो और ओए 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 मेरी खीर पे हमला हो गया, मेरी खीर पे हमला हो गया। एक मिनट, मैं आपको देता हूँ,
आज सारे गंदे कर दिए हैं। क्या लेना है? आइसक्रीम एक कर्नेटो दे उस, यही लेनी है ना। कपड़े चेंज करके मैं सोने लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो व्लॉग अभी तक जितना बना है उसको एडिट करके अपलोड किया जाए, क्योंकि ईद का व्लॉग जो हो वो ईद वाले दिन ही अपलोड किया जाए तो फिर ही मज़ा। अगर दिल मानता है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ईद मुबारक।